तो 15 साल की उम्र में एक दिन लगा कि खुद करके देखना चाहिए और खुद ही करना है, तो बस शुरू हो गए। और वो स्टार्ट लिया सबसे पहले तो वो लिया एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से कि अखबार बेचते हैं। अच्छा। तो 45 रुपीज़ पर मंथ मिला करते थे अखबार बेचने के। ऑटो रिक्शा भी चलाया, वीडियो लाइब्रेरी भी चलाई, केबल टीवी भी चलाया, PCO चलाया, वीडियो गेम पार्लर चलाया, टीवी रिपेयर शॉप चलाई। इसके बाद बहुत सारे काम किए और वो काम करना कोई मजबूरी नहीं थी, टारगेट एक ही था कि मुझे अमीर बनना है। IPL लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस है कि आप IPL लाना क्यों चाहते हो, ठीक है ना। लोगों को यही क्लैरिटी नहीं है, तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरफ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपको वो क्लैरिटी है राइट, और आपके पास उस विज़न के हिसाब से बिज़नेस प्लान है और आप उस बिज़नेस प्लान को एग्जीक्यूट करने की ताकत रखते हैं, तो IPO कोई चैलेंज ही नहीं है। देखो, हारता वो है जो हार मान लेता है, करेक्ट। और जब तक आप हार नहीं मानते तब तक गेम ओवर नहीं होती। मर्सिडीज कार आज से 100 साल पहले जो आती थी, क्या वो कार आज चलेगी इस मार्केट में? चली नहीं सकती, करेक्ट। और अगर वो उसके साथ जिंदा रहेगा तो उसका वही हाल होगा जो एम्बेसडर का हो गया, जो नहीं बदला वो मर गया। ऐसी अगर बात करूं तो हम उस टाइम पे स्टेबलाइजर बनाया करते थे। आज हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के जो AC चार्जर है ना, इट इज इक्वलेंट टू स्टेबलाइजर। दैट मीन्स एक स्टेबलाइज्ड पावर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी को चार्ज करने के लिए। मैं टेक्नोलॉजी के साथ बदल गया राइट। इसके बाद मैं इन्वर्टर बना रहा था, वही इन्वर्टर को मैंने सोलर इन्वर्टर कर दिया, वही इन्वर्टर को मैंने UPS कर दिया। UPS होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, होता उसमें भी इन्वर्टर है राइट। और इन्वर्टर होता है कि वो लाइट जाने के बाद चलेगा, तो उसके अंदर एक चेंज ओवर टाइम होता है, और UPS में चेंज ओवर टाइम नहीं होता। तो वो जो मुझे चाहिए उसकी बेंचमार्किंग मैंने कर दी और वो मैंने अचीव कर लिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर वो जो बेंचमार्किंग का जो लेवल था उसको चेंज कर दिया। तो आज मैं कुछ बहुत बड़ा सोच पा रहा हूँ, और हम आज जो सोच रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान की top 3 कंपनी में हमारा नाम होगा अगले 2 सालों में, ये तय है। एज अ पर्सन अगर बात करें तो मेरा नाम रमन भाटिया है, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, दिल्ली से ही हूँ। और अगर प्रोफेशनल देखें तो सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मेजर शेयर होल्डर हूँ, प्रमोटर हूँ। लोग आपको एज एन एंटरप्रेन्योर जानते हैं मार्केट में, एज अ बिजनेस ऑनर जानते हैं, जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करी है। मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा सा ना आपकी बैक स्टोरी पे बात करें, जिस जर्नी को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हो। मैं चाहता हूँ लोगों को उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा पता लगे। तो मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जितनी मैंने लोगों के बारे में पढ़ा है या समझा है उसमें मुझे लगता है कि कुछ तो डिफरेंट रहा। क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। अब जब मैं ये देखता हूँ कि इस एज में जब आप 9th-10th class के स्टैंडर्ड में होते हैं, उस टाइम पे अगर कोई बच्चा काम करना शुरू करता है तो नॉर्मली मोर देन 99% चांसेस होते हैं कि या तो उसके फैमिली बैकग्राउंड में इश्यूज़ होते हैं या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में काम करना पड़ता है स्टडी के अलावा। बट मज़े की बात यह है, ये दोनों चीज़ें मेरे साथ थी नहीं, मुझे दोनों प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे फादर साहब बहुत रिच थे तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमारे जो फादर थे वो सेल्फ मेड थे, शायद उन्हीं का ब्लड हमारे में आ गया। तो 15 साल की उम्र में एक दिन लगा कि खुद करके देखना चाहिए और खुद ही करना है, तो बस शुरू हो गए। तो वहाँ वो जो दिन था और वो जो डिसीज़न था कि मुझे खुद ही अपने लिए कुछ करना है, वाज अ स्टार्ट। और वो स्टार्ट लिया सबसे पहले तो वो लिया एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से कि अखबार बेचते हैं। अच्छा। तो 45 रुपीज़ पर मंथ मिला करते थे अखबार बेचने के। शायद वो मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी नौकरी थी, और मैंने वो उतने दिन की जितने दिन में मैंने 50 रुपये कमाए, क्योंकि मैंने 50 रुपये एडवांस लिए थे। इसके बाद बहुत सारे काम किए और वो काम करना कोई मजबूरी नहीं थी, टारगेट एक ही था कि मुझे अमीर बनना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है। पैसा कमाना तो शायद बहुत छोटी बात होगी, लेकिन अमीर बनना है। अमीर बनने का मतलब था कि आप कैसे उन टॉप लोगों में आ सकते हैं, ये एक टारगेट था। और 30 साल की उम्र से पहले तो उस दिशा में काम करना शुरू किया, तो पता नहीं था कैसे आगे जाना है, तो जो समझ में आया वो करते चले गए।
अब इन कामों में वो सब भी किया जो आम इंसान शायद नहीं सोच सकता। ऑटो रिक्शा भी चलाया, वीडियो लाइब्रेरी भी चलाई, केबल टीवी भी चलाया, पीसीओ चलाया, वीडियो गेम पार्लर चलाया, टीवी रिपेयर शॉप चलाई, बड़े सारे काम किए। तो ये सब करके एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गया जीवन में। बट उस सब के बीच में भी बहुत सारी इस जर्नी में ऐसे ऐसे टाइम आए जिसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। लेकिन खुशी होती है जब आप एक सर्टेन जगह तक पहुँचते हैं। ये सब तो आपका इनिशियल फेज था, आपको एक चीज़ समझ आ गई कि हाँ पैसे तो मैं कमा लूँगा, लेकिन ये जो जहाँ से आपने इन्वर्टर और ये सर्वोटेक का जो एक विजन प्लान हुआ, इसके पीछे कहाँ आपको लगा कि हाँ अब मैं कंपनी वाले इस फेज़ में जा सकता हूँ? अभी तो आप छोटे छोटे काम कर रहे थे, उससे आप मंथली एक टारगेट बनाया, कुछ वो अचीव कर लिया, बट जब आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ? ये भी एक बहुत अलग तरह की कहानी है। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस तो शायद पहले दिन से था, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक ही था। फ़र्क ये था कि सपने बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जो सपने जैसे भी दिखे वो हमेशा पूरे किए। एग्ज़ाम्पल, ये सपना था कि हर रोज़ 15 रुपये कमाने, 17 रुपये कमाने। ये कोई ज़माना था जब ये चाहा कि 17 रुपये रोज़ कमाने। तो अब अगर आपका सपना ही 17 रुपये कमाने का है तो आपकी जेब में 17 करोड़ तो नहीं आ सकते ना। लेकिन वो अचीव किया, तो अचीव तो 100 कर लिया। ऐसे कभी ये सोचा कि मैंने महीने में इतने पैसे कमाने हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल, मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया, करने के बाद ये तय किया कि नौकरी करेंगे, और मैं इंटरव्यू देने चला गया कंपनी में एज अ टीवी टेक्नीशियन। जब मैं देने गया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया 2169 रुपये, 2169 रुपीज़ एज अ सैलरी फॉर अ मंथ। अच्छा, उस टाइम टारगेट था 2500 रुपये पर मंथ कमाना है, और वो भी टारगेट कैसे बना कि महीने में 25 दिन होते हैं काम करने के लिए, तो 100 रुपये रोज कमाने हैं। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत सारे होते थे, तो लगा कि ये अचीव करना है। अब जब टारगेट बनाया तो मुझे 2169 रुपये की जॉब कन्फर्म कर दी उन्होंने। उन्होंने मुझे कहा कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, लंच के बाद आप बैठ जाइए। बैठा हुआ था, बैठते बैठे सोचा तो वहाँ एक लड़की थी रिसेप्शन पे, उस लड़की से मैंने पूछा कि इस कंपनी में हाईएस्ट सैलरी किसकी है और वो कितनी है? तो उसने इशारा करके एक सरदार जी की तरफ इशारा किया और मुझे बोला कि उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। लंच टाइम चल रहा था, सभी लोग बाहर घूम रहे थे। तो उसने कहा वो सरदार जी की सैलरी सबसे ज़्यादा है। मैंने कहा कितनी? कहती 8200 रुपीज़। तो बैठ के सोचने लगा कि इस कंपनी में मेरा जो हाईएस्ट लेवल है वो 8200 रुपीज़ हो सकता है। तब तक लगने लगा था कि थोड़े से मेरे जो सपने हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि मेरा इंटरव्यू तो हो गया है, बट अपॉइंटमेंट लेटर मेरा टाइप मत करना। कहती क्यों, क्या बात? मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करूँगा, और मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद मैं वहाँ से वापस आया और मैंने एक टेबल खरीदी 145 रुपीज़ की। उस टेबल को ला के मैंने अपने फादर साहब की शॉप में 100 स्क्वेयर फिट जगह ली एक, उस जगह पर मैंने वो टेबल लगा दिया। और ये प्लान किया कि टीवी और वीसीआर यहाँ रिपेयर करेंगे, और मैंने वो दुकान शुरू की, एक बोर्ड लगाया और काम शुरू कर दिया नेक्स्ट डे से। और एक रेड कलर की डायरी खरीदी, जिस डायरी के अंदर हम लिखता था मैं रोज़ आज शाम को कितने पैसे कमाए, और वो डायरी मेरी पॉकेट में रहती थी। और पहले महीने में मैंने कमाए 2800 रुपये, 2800 रुपये। तो मैंने कहा यार ये जो है नौकरी का जो है वो चैप्टर तो बंद हो गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो जितने भी टारगेट्स बनाए तो वो अचीव होते गए। बस दिक्कत यही थी कि सपना बहुत बड़ा नहीं देखा था तब तक। और इसी तरीके से जीवन में, क्योंकि वो दुकान स्टार्ट की थी तो उस दुकान में जिस जगह पर थी वो सुल्तानपुरी एक एरिया है, जजे कॉलोनी कहते हैं उसको, वहाँ पर वो शॉप थी। वहाँ लाइट बहुत जाती थी, पावर कट्स बहुत थे। तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि जब वो लाइट जाती थी तो मैं जो काम कर रहा होता था वो काम डिले होता था, और हम एज आ प्रोफेशनल उस टाइम जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। तो अगर 2-3 घंटे लाइट चली गई तो मतलब आज की दिहाड़ी तो गई। तो ये टारगेट किया कि कुछ ऐसा करो जिससे कि लाइट जाने के दौरान भी मैं काम कर पाऊँ। तो हमने एक इन्वर्टर बनाया। अब वो जो इन्वर्टर बनाया, वो इन्वर्टर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की समझ तो थी,
जो स्टडी किया था, इनपुट आउटपुट पता था आपको, सब पता था कि कैसे बनेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती थी। तो एक दोस्त हुआ करता था, उस दोस्त का साथ लिया, तो हमने एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर एक इन्वर्टर बनाया और वो उसी 145 रुपए की टेबल के नीचे ही उसको विद बैटरी इंस्टॉल कर दिया। वो इसलिए कि अब लाइट जाएगी तो मेरा काम नहीं रुकेगा। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो एक दिन आ गया, कहता यार तेरी लाइट कैसे आ रही है, और ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा यार एक इन्वर्टर बना के लगाया हुआ है छोटा सा बैटरी का, उससे ही चलता है। तो वो दोस्त था, वो कहता है तो मेरे को चाहिए मेरी दुकान के लिए। तो उसको बड़ा मना किया, वो माना नहीं। अब दोस्ती तो ऐसी होती है, उसने चार गालियाँ भी दी और जिद कर ली कि लेके जाऊँगा। तो उसको टालने के लिए, ताकि वो ना ले जा पाए, जितने ही उसकी कॉस्ट थी उस कॉस्ट में 1,000 रुपये और जोड़ दिया, महंगा कर दिया उसको, ताकि ये पैसे के अमाउंट को देख के छोड़ दे। तो वो नहीं माना, उसने कुर्ते की जेब में से पैसे निकाल के मेरी जेब में डाले और रिक्शे पर रखवाया और ले गया। तो वो निकल गया। जब वो चला गया तो फिर फ़ोन किया अपने दोस्त को, उसको बोला कि यार एक काम कर, एक और बनाते हैं। तो हमने एक और बनाया, इस बार उसको लकड़ी के फट्टे में नहीं बनाया, एक स्टेबलाइजर की कैबिनेट बनाया। अब मजे की बात देखें, हमें ये भी नहीं पता था कि स्क्रीन प्रिंटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है उस ज़माने में, और हम मार्कर पेन से लिखते थे आगे इंडिकेशन के नाम, स्विचेस के नाम। तो उसको दोबारा से इंस्टॉल कर दिया। जब उसको दोबारा इंस्टॉल किया तो उसने एक दूसरे दोस्त को बता दिया, वो भी आ गया, कहते हैं मुझे चाहिए। तो इसको और ज़्यादा डराने के लिए इसके पैसे और डबल कर, और ज़्यादा महंगा बताया, वो भी नहीं माना, पैसे दे के ले गया। फिर उस दोस्त को बोला कि यार इस बार ना दो बनाइयो, फिर कोई इस जैसा साला बेवकूफ़ आ गया तो काम रुक जाएगा। अभी तक भी दिमाग में ये नहीं था कि ये बेचना है, दिमाग में एक ही था कि मेरी चीज़ बिक गई तो मेरा काम रुक जाता है। तो दो बनाए, एक रख दिया और एक को लगा दिया। उसने और दो दोस्तों को बताया, दो और ले गया। इस सब में 1.5 महीना बीत गया। तो 1.5 महीने के बाद वो जो डायरी थी जिसमें हिसाब लिखता था, उसमें यह पता लगा कि जितने रुपये मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा तो मैंने सिर्फ ये इन्वर्टर बेच के कमा लिया। तो अंदर से आवाज़ आई कि ये एक बिज़नेस बन सकता है। और जब ये समझ में आया कि ये बिज़नेस बन सकता है, तो मैंने कहा इस पर काम करते हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि उस भले ज़माने में 250 इन्वर्टर बेच दिया हमने 6 महीने में। उस टाइम नाम वाम आपने डिसाइड कर लिया था? नहीं, उस टाइम कुछ भी नहीं था, बस बेच रहे थे, बस बेच रहे थे, बेच रहे थे, कुछ भी लिख देते थे, बस बेचते थे। तो 250 इन्वर्टर हमने बेच दिए। अब जब 250 इन्वर्टर बेच दिए तो बहुत सारे पैसे कमा लिए। वो पैसे इतने सारे थे जितने पैसे हमने कभी जीवन में देखे नहीं थे। अब समझ नहीं आता था पैसे का क्या करें, और कोई बैंक भी होता है ये भी नहीं पता था। तो ये लगा कि इस पैसे का करना क्या है। और ये कौन से सन की बात है? ये हम बात कर रहे हैं 92-93 की। अच्छा। तो ये लगा कि एक काम करते हैं। अपने उस दोस्त को बुलाया कि यार हम जो भी हमें कोई इन्वर्टर का ऑर्डर करता है तो हम उसे 8-10 दिन का टाइम लेते हैं, वो हमें एडवांस देके जाता है, फिर 8-10 दिन हम उससे टाइम लेते हैं, फिर हम इंस्टॉल करते हैं। तो क्यों ना एक काम करें, बहुत सारे इन्वर्टर बनाते हैं, पहले बना के रख लेते हैं कि जो भी ऑर्डर आएगा उसको साथ साथ दे देंगे। ये प्लान किया गया। अब जब ये प्लान किया गया और वो इन्वर्टर बनाने के लिए करना था तो उसको पैसे दे दिए। अब इसमें बड़े मज़े की बात पता क्या है कि इतने सारे पैसे जो मैंने नहीं देखे थे, इतने उसने भी नहीं देखे थे, वो बिल्कुल ठीक ठीक समझ गया कि इस पैसे का क्या करना है, और वो लेके भाग गया। अच्छा, वो पैसे ही ले गया? पैसे ले गया। और वो जो पैसे ले गया, उसका पैसा लेके जाना था, और शायद मैं ऐसा कह सकता हूँ उसको कि मेरी किस्मत का उदय होना था। दोस्त था, कहाँ भाग के जाता। आखिर 10-15 दिन के बाद एक दिन सुबह 5 बजे दबोच लिया। अब उसको पकड़ा, हमने तो कहा भाई तो पैसे दे। कहता भाई पैसे नहीं है, बाकी सब कुछ है, मैं बाकी तेरे पास क्या है, हम और क्या कर सकते हैं, पैसे चाहिए। तो कहता पैसे नहीं है, एक काम कर सकता हूँ, मैं तेरी फैक्ट्री चालू कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे तो फैक्ट्री चलानी आती नहीं है। कहता कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँगा। तो मैंने कहा भाई मैं जो है मशीनरी कहाँ से लाऊँगा। तो कहता मैंने फैक्ट्री बंद कर दी है, सारी मशीन मैं दे दूँगा तेरे को, तू दे देगा। मैंने कहा मैं बंदे कहाँ से लाऊंगा उस मशीन को चलाने वाले। कह रहा मेरे वाले खाली घूम रहे हैं, मैं वो बंदे दे दूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता सामान कहाँ से खरीदते हैं। कहते मैं बता दूंगा कहाँ से मिलता है। तो इस तरीके से ये जो 92-93 था, इस सब के अंदर ये सब चलता रहा। और अल्टीमेटली उसने मेरी फैक्ट्री लगवाई, जो फैक्ट्री स्टार्ट हुई 10th of April 1994 को, जिसको हम आज भी अपना फाउंडेशन डे के नाम से मनाते हैं। तो यहाँ से ये जर्नी का शुभारंभ हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जहां आज सर्वोटेक है, यहां तक पहुंचने के लिए जो पहला स्टेप रखा गया वो 10th अप्रैल 1994 को रखा गया, जो एक दिशा मिल गई थी कि अब
मल्टीपल काम करने की जरूरत नहीं है, अब इसमें कहीं आगे बढ़ेंगे। इस टाइम तक आप वो दुकान भी रन करते थे, रिपेयरिंग भी करते थे या फिर हाँ, वो सब धीरे 94 तक आते आते वो दुकान बंद कर दी गई थी, मतलब तब वो बंद कर दी थी। वो आपने अपना वो टेबल हटा लिया था वहां से? टेबल नहीं हटा था, टेबल था, अब उसके ऊपर इन्वर्टर बना करते थे। अच्छा। बस फर्क ये था, अब वो टेबल की शक्ल बदल गई थी, वो थोड़ा सा और खूबसूरत हो गया था, थोड़ा सा और महंगा हो गया था, बट वो ऐसे ही था। बट लेकिन आपने उस जगह को छोड़ा नहीं, यूटिलाइज किया आगे? छोड़ा नहीं, तो वहीं से आगे बढ़े। और शायद लोगों को सुन के हैरानी होगी, आज हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, उस जगह का टोटल जो एरिया था वो 12.5 गज था। पहला फेज आपका ये हो गया कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और एक अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी भी मिल गई और आपका एक साइकी भी सेट हो गई कि अब पैसा कमाया जा सकता है, अब हमारे को देखना है हम किस लेवल पे ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो फिर 94 को जब क्रॉस किया तो हमने फिर बहुत सारे इन्वर्टर्स बेचे, फिर लगा कि कुछ और बढ़िया बनाना चाहिए, देन वी टुक सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ली तो और बेहतर मॉडल्स लेके आए हम लोग, देन ये लगा कि अब कुछ इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर उस टाइम पे सेल्स टैक्स नंबर लेना, इनकम टैक्स जमा कराना, उसको एक शक्ल देनी शुरू की, बैंक अकाउंट खोलना, ये सब काम हमने शुरू किए। तो 96 तक आते आते हमारी फर्म का नाम हमने एक डिसाइड कर लिया था, इट वॉज अ भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी बनाई गई। वो कंपनी बनाई गई, नॉट अ कंपनी, इट अ फर्म, वो फर्म बनाई गई। उस फर्म के साथ सारी रजिस्ट्रेशन और सब कुछ लिया गया। तो 96 में हमने सर्वोटेक नाम अप्लाई किया, क्योंकि उस टाइम तक हम स्टेबलाइजर्स भी बनाना शुरू हो गए थे, तो स्टेबलाइजर बन रहे थे, सर्वो स्टेबलाइजर बन रहे थे और साथ में इन्वर्टर बन रहे थे, तो सर्वो से हमने ये नाम निकाला, सर्वो टेक्नोलॉजी को जोड़ के हमने सर्वोटेक एक ब्रांड बनाया 96 में। ये भी इसमें ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस टाइम पे जो एक वैक्यूम था, एक प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे, आपने उसमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इशू होता था और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आती थी तो उसमें लोड का भी इशू होता था, तो आपने वो दोनों अपॉर्चुनिटी में अपना बिजनेस क्रिएट किया। उससे आगे बढ़े, 97 आया तो हमने UPS में काम करना शुरू किया। जब UPS में काम करना शुरू किया तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेहनत हमने बहुत की, और ये पोजीशन थी कि मेरा छोटा ब्रदर मेरे साथ होता था, तो उसका पूरा दिन ये होता था कि हम उस टाइम तक UPS नहीं बनाते थे, तो UPS हम बाहर से लेते थे, तो उसका काम होता था सारा दिन सोर्सिंग करना, UPS बनवाना उस फैक्ट्री में बैठ के, और शाम को जितने UPS बनते थे, मेरे पास एक कार होती थी मारुति 800, उसकी पिछली सीट खोल के उसमें UPS हम डालते थे, तो एक टाइम में 25 UPS आते थे। तो एक दिन मैं UPS भरता था और मैं उसको लेके निकलता था, तो मैं चंडीगढ़ जाता था, मैं वापस आता था, तब तक दूसरी गाड़ी में वो UPS ला चुका होता था, तो फिर वो UPS भरना, फिर मैं उसको लेके देहरादून जाता था, फिर अगले दिन मैं जयपुर जाता था, फिर नेक्स्ट डे मैं कहीं और जाता था। तो इस तरीके से आपका ब्रदर जो प्रोडक्शन देखता था, आप सेल्स देखते थे अकेले, तो इस तरीके कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं, खुद ही गाड़ी लेके, बिल्कुल बिल्कुल, तो गाड़ी में डालना, 25 UPS शाम को बेच के पैसे लेके घर आना, अगले दिन फिर लेके जाना, तो ये एक साइकिल था, ये एक फेज था आपका जहाँ पर आपने पूरा प्रोडक्शन यूनिट वगैरह लगाई थी और उधर फिर कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी और रातों रात ये स्टेज भी आया कि ये बिजनेस भी एक बार फिर से खत्म होने के कगार पे आ गया था। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ, पहली बार नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बड़ा सेटबैक था वो 99 में था। 99 में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जल गया। ये वो वाली फैक्ट्री थी जो आपके फ्रेंड ने सेटअप कराई थी? हाँ, उसी को आपने 3-4 साल चला के पूरा प्रॉपर बनाया था। तो ये आग लग गई, सब कुछ जल गया, हमारे फादर साहब को भी प्रॉब्लम हो गई, वो भी बेड पे चले गए, छोटा ब्रदर कहने लगा मैं अपना काम करूँगा, वो भी चला गया, तो अल्टीमेटली समझ नहीं आया कि कैसे करें। अच्छा, अपने पैसे जिनसे लेने थे वो भीख की तरह मांगने से नहीं मिलते थे, जिनके देने थे वो सारे घर के बाहर आके खड़े हो गए। तो मैं नहीं भूलता कि घर में खाने की चीज़ों को भी मुझे उधार में लेना पड़ा और मुझे कहना पड़ा उस दुकानदार को कि रिक्वेस्ट है पैसे मत मांगियो, मुझे पता नहीं अभी मैं कितने दे नहीं पाऊँगा। 4 महीने तक तो ये समझ नहीं आया कि इसे बाहर कैसे निकलें, कंपोज की गोलियाँ खा के नींद नहीं आती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे नींद नहीं आती थी, सारा दिन दिमाग, सारी रात दिमाग चलता रहता था, लेकिन समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूँ। क्या एज थी उस टाइम आपकी? अगर मैं बात करूँ तो शायद रहा होगा कोई 27-28 साल का, तो समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करूँ, और फिर लगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरी वाइफ ने मुझे ज्वाइन किया 2000 में, एंड शी ज्वाइंड मी,
तो उसने कहा ऑपरेशन मैं देखती हूँ पीछे, आप आगे देखो। और हमने फिर मेहनत लगाई और हम एक साल के अंदर हमारा साइज़ पहले से डबल हो गया। अच्छा, हाँ जी, और हम प्रॉफिटेबल हो गए। तो आपने उस एडवर्सिटी को जो है अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। ऑब्वियसली मेरा ये मानना है, मैं ना ज़िंदगी को अब एक वीडियो गेम की तरह देखता हूँ। वीडियो गेम में एक बहुत ख़ास बात है, और ख़ास बात यह है कि जब आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें ना लेवल होते हैं। जब आप एक जगह पहुँच जाते हैं तो लेवल क्रॉस पास कर जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, वो थोड़ा सा और मुश्किल होता है, फिर उसे और मुश्किल होता है, तो आप ऐसे लेवल क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गेम, और आपको कुछ प्लेयर मिलते हैं, किसी गेम में 3 मिलते हैं, किसी में 5 मिलते हैं, तो आप गेम खेलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक बार गेम खेलते खेलते 3rd या 4th लेवल तक पहुंच गए और आपकी गेम ओवर हो गई, राइट? तो जब आप गेम को रीस्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अगली बार उतना टाइम नहीं लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। दैट इज कॉल्ड सेट पॉइंट थ्योरी। तो ये जो सेट पॉइंट है ना, आप उस लेवल को बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं, तो ये जीवन में रहता है। आपका पाइपलाइन सेट है कि यहाँ तक तो मैं आ ही जाऊँगा, वो हर बार ऐसी होता है। क्या क्या चीज़ करनी है? तो जब जब आगे गए उससे बड़े दिक्कतें आई, उससे बड़े लॉसेस हुए, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत कम टाइम लगा। भाई अगर मैंने 20 साल लगाए या 15 साल लगाए वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अगर वहाँ पर मेरी गेम ओवर हो गई और मैंने हार नहीं मानी और मैं दोबारा शुरू हुआ, तो अगली बार मेरे को 20 साल थोड़े लगे, अगली बार तो शायद मेरे को 2 साल भी नहीं लगे, इवन 1 साल भी नहीं लगा। तो आप कितना जुटे हुए हो, कितना जुनून है आपके अंदर, इस पर बहुत डिपेंड करता है। हाउ यू थॉट अबाउट गोइंग इनटू आईपीओ? तो 11th of April 2017 आई हैव डिसाइडेड कि आईपीओ लाएंगे। इट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने सोचा कि आईपीओ लाएंगे, और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 24th of August 2017 हमारा आईपीओ आ गया। तो वी टुक लेस देन 5 मंथ और हम लिस्ट हो गए। बहुत लोगों को जैसे मिथ है कि आईपीओ लॉन्च करना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। मतलब आज की रेट में अगर स्टार्टअप देखें तो वो फंडिंग के लिए आईपीओ को कभी कंसीडर करते ही नहीं है इनिशियल स्टेज में। आजकल बहुत चीज़ें हो रही है, सीड फंडिंग, प्री ए, प्री बी, प्री सी, इस तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट एंटर होते हैं आपकी कंपनी में। क्विक थोड़ा सा इसमें इलैबोरेट कर दो कि अगर किसी को आईपीओ लॉन्च करना है तो क्या प्रोसेस है। आईपीओ के लिए आप एनएससी की साइट पे चले जाएं या बीएससी की साइट पे चले जाएं, पूरा प्रोसेस, जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है वो ऑलरेडी वहाँ पर पब्लिश्ड है, तो उसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। और आईपीओ लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है कि आप आईपीओ लाना क्यों चाहते हो, ठीक है ना? लोगों को यही क्लैरिटी नहीं है, और यही डिफरेंस बिजनेस में भी होता है। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आप बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक आप किसी चीज़ को ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि आईपीओ को लाने के लिए आपकी रीजनिंग क्लियर है कि मैं बिज़नेस के लिए पैसा जनरेट करना चाहता हूँ, मुझे बिज़नेस के लिए फ़ंड चाहिए, तो मैं डेट नहीं इक्विटी फ़ंड लाना चाहता हूँ, या मैं अपने इन्वेस्टर्स को कमा के देना चाहता हूँ, राइट, या मैं अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरफ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपको वो क्लैरिटी है, राइट, और आपके पास उस विज़न के हिसाब से बिज़नेस प्लान है और आप उस बिज़नेस प्लान को एग्जीक्यूट करने की ताकत रखते हैं, तो आईपीओ कोई चैलेंज नहीं है। तो आपके हिसाब से फंड रेजिंग का ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपका जो शेयर लॉन्च हुआ था वो 30 रुपीज़ के आसपास लॉन्च हुआ था और लास्ट वो 260 के आसपास हिट हुआ है। जी, उसके बाद स्प्लिट हो गया। बट लेकिन कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आज की रेट में 500+। हाँ जी, लगभग। तो थोड़ा सा वो आप उसको, आपने वो स्केल कैसे अचीव किया और उसमें बिजनेस एक्यूमेंट किस किस जगह पर आपने इम्प्लीमेंट की? मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि जब हमने शेयर लॉन्च किया तो वो 31 रुपीज़ का था। हमसे बिजनेस करते हुए गलतियाँ हुई, गलतियाँ होने की वजह से हमारा पैसा फंस गया, तो हमने बिजनेस को बढ़ाना बंद कर दिया, राइट, और हमने की फोकस किया कि पैसा निकालना है पहले। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे तो बैंकर ने आप पे पैसा लगाया हो, चाहे आप पे इन्वेस्टर ने लगाया हो, ये दोनों आपके बाद मरेंगे। सबसे पहले प्रमोटर को पता होता है कि कौन पहले मरेगा। प्रमोटर से ज़्यादा अपने बिजनेस को कोई नहीं जानता, राइट? तो प्रमोटर को पता होता है कि कब तो मैं निकल जाऊंगा और कब मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को, वो छुपा के रखता है, राइट? उनको बहुत देर में पता लगता है सबको। तो ऐसे ही जब मेरा पैसा कंपनी का फंसा तो हमने पैसा निकालने में कोशिश की, तो मुझे बहुत सारे लोग आए, बैंकर भी आया कि ऐसे तुम्हें लिमिट्स नहीं मिलेंगी, आपको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी तो टर्नओवर नहीं बढ़ रही है, राइट? मुझे हर रोज़ एक प्रपोजल आता था
कि आपके स्टॉक के ऊपर काम कर लेते हैं, हम आपकी मार्केट क्रिएट कर देंगे। तो मैं एक ही बात कहता था कि अगर मेरे स्टॉक का भाव बढ़ा भी दोगे तो उससे करूँगा क्या, बिजनेस तो मैं कर नहीं रहा, और जब मैं करूँगा अपने बढ़ जाएगा। तो वो 30 रुपये का शेयर वो घटते घटते 9 रुपये पर आ गया, इवन 6 रुपये पर आ गया। अच्छा जी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया लेकिन मैंने किसी की मानी नहीं। तो लोग कहते थे साला सनकी है या तो, या लोग कहते थे पागल है, इसको अकल ही नहीं है। लेकिन मुझे एक ही बात पता थी कि मैं आज बिजनेस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आज जद्दोजहद में हूँ इससे निकलने की, तो मुझे इसी पर फोकस करना है। और करते करते 2020 आ गया, फिर वो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में वो 3 महीने सभी लोग खाली बैठे, उस खाली के अंदर हमने जितने इनोवेशन किए हैं और जितने लेटेस्ट प्रोडक्ट हम लेके आए हैं इस मार्केट में, राइट, वो आम इंसान शायद सोच भी नहीं सकता। और उसी की वजह से उस दिन से पहले अगर स्टॉक 9 रुपये था तो जब हमने काम करना शुरू किया तो वो 9 रुपये से उठ के 45 रुपये पहुँचा, 45 रुपये से वो स्टॉक 90 रुपये पहुँचा, 90 रुपये 200 रुपये पहुँचा। तो जैसे जैसे हम काम करते गए स्टॉक पहुँचता गया। तो अभी सर्वोटेक किस किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है? हमने फ्रॉम डे 1 टू आज तक अपनी लाइन कभी चेंज नहीं की, राइट, यानी कि मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 94 से जो कर रहा हूँ वो आज भी वही कर रहा हूँ। हाँ, उसकी जो शक्ल है या उसका जो अवतार है वो चेंज हो चुका है, राइट। अब अगर आज मैं बात करूँ कि मर्सिडीज कार आज से 100 साल पहले जो आती थी, क्या वो कार आज चलेगी इस मार्केट में? चल ही नहीं सकती, करेक्ट। और अगर वो उसके साथ जिंदा रहेगा तो उसका वही हाल होगा जो एम्बेसडर का हो गया, जो नहीं बदला वो मर गया। अगर हिंदुस्तान वॉच कंपनी ने जो वॉच निकाली थी, अगर वो उसी वॉच के साथ रहती रही तो वो मर गई, अगर वो चेंज करती तो शायद कहीं और पहुंच जाती। तो आज वॉचेस स्मार्ट वॉच में मतलब नहीं है, राइट। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नोकिया इनिशियली नहीं बदली तो बैंक्रप्सी की तरफ गई, अल्टीमेटली उसको बदलना पड़ा तो दोबारा रिवाइव हो गई। ऐसे ही अगर बात करूं तो हम उस टाइम पे स्टेबलाइजर बनाया करते थे, राइट। आज हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के जो एसी चार्जर है ना, इट इज इक्वलेंट टू स्टेबलाइजर। दैट मीन्स एक स्टेबलाइज्ड पावर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी को चार्ज करने के लिए। मैं टेक्नोलॉजी के साथ बदल गया, राइट। इसके बाद मैं इन्वर्टर बना रहा था, वही इन्वर्टर को मैंने सोलर इन्वर्टर कर दिया, वही इन्वर्टर को मैंने यूपीएस कर दिया। यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, होता उसमें भी इन्वर्टर है, राइट। और इन्वर्टर होता है कि वो लाइट जाने के बाद चलेगा तो उसके अंदर एक चेंज ओवर टाइम होता है, और यूपीएस में चेंज ओवर टाइम नहीं होता। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम पीवी पोर्ट कहते हैं, वो छत पे जो लोग अपने छत पे टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, वो हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं लोग। उसमें हम बैठने की जगह देते हैं, 8 लोग बैठ सकते हैं उसके ऊपर, और जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर वाटरप्रूफ छत बन जाती है। ये वाटरप्रूफ छत जो है ये पैनल से बन जाती है, इसी के अंदर इन्वर्टर है, बैटरी है, और साथ में हम इसके अंदर पानी होता है जो रेडिएटर का काम करता है। यानी कि आप 40 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर इसकी कुर्सियों पर आकर बैठेंगे तो आपको ठंडा ही लगेगा, गर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी है। तो इस तरीके का एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने जर्मन गवर्नमेंट के साथ मिलकर डेवलप किया था, जो हम शायद अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी इंस्टॉल्ड है, अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में भी इंस्टॉल्ड है, और भी बहुत सारे प्राइम लोकेशंस पे वो इंस्टॉल्ड है। तो सर कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज़ को, मैं इसको ऐसे लूँ कि आपने मार्केट के हिसाब से अपने आप को जितना क्विकली इवॉल्व हो सकते थे इवॉल्व किया, और वही आपकी ग्रोथ का एक इंजन बना। तो हम अगर इन्वर्टर बनाते थे तो इन्वर्टर में एक बैटरी चार्जर होता था, यूपीएस में बैटरी चार्जर होता था, बाद में वो लिथियम बैटरी चार्जर हो गया। अगर आज मैं डीसी चार्जर बना रहा हूँ तो मैंने क्या चेंज कर दिया? आज भी तो वही कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट है आपके अंदर जिसने आपको इधर तक पहुँचाया है, और जिसकी वजह से आप बार बार चैलेंजेस को जो है वो अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट करके आगे बढ़े हो? हाँ, पहला जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि शायद मेरा विजुलाइजेशन की ताकत बहुत ज़्यादा है, शायद भगवान ने मुझे दिया है विजुलाइजेशन की। मैंने जैसे आपको बहुत पहले भी बताया इसमें कि शायद मैंने पहले बड़े सपने देखे ही नहीं थे, तो जितने बड़े देखे वो हमेशा अचीव किए। मुझे तो आज तक याद आता है कि मेरे स्कूल में जितना भी मैं पढ़ा कभी ज़िंदगी में मेरे 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो आम आदमी सोचेगा कि यार ये तो बड़ा नालायक बच्चा था। मज़े की बात यह है कि मैंने जितने मेरे मार्क्स आए वो उतने ही आए जितने मैं लिख के आया। मुझे लगा मुझे इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में मैं पास हो जाऊँगा। तो ये थॉट प्रोसेस था कि मुझे चाहिए कितना, तो वो जो मुझे चाहिए उसकी बेंचमार्किंग मैंने कर दी और वो मैंने अचीव कर लिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर वो जो बेंचमार्किंग का जो लेवल था उसको चेंज कर दिया, करेक्ट। तो आज मैं कुछ बहुत बड़ा सोच पा रहा हूँ,
और हम आज जो सोच रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान की टॉप 3 कंपनी में हमारा नाम होगा अगले 2 सालों में, ये तय है। ये आपने विजुलाइज कर रखा है? ये बिल्कुल विजुलाइज कर लिया और इसको अगले 2 सालों में कोई बदल नहीं पाएगा। मैं पब्लिकली ये अनाउंस कर रहा हूँ कि हम अगले 2 सालों में उस जगह पर होंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अगर हमने ये देख लिया है और हम इसको अचीव कर लेते हैं, तो अगर कोई इसको 2 साल बाद 3 साल बाद देखेगा दोबारा से, और उस दिन हम जहाँ होंगे और वो इन दोनों को देख के बात करेगा, तो मैं कह रहा हूँ ये ताकत उस भगवान ने दी, और शायद वो भगवान मुझसे कुछ करवाना चाहता है। इसीलिए साइकिलों की दुकान से पे काम करने वाला बच्चा 15 साल की उम्र में उसको इस लाइन पे लगाया, तो इसका मतलब वो भगवान मुझसे कुछ चाहता है करवाना। तो अगर उसने एक रास्ता दे दिया है तो मैं उस पर चल पड़ा हूँ, तो इसका मतलब इसमें उसकी मर्जी है, मेरी नहीं है ना। तो अगर उसकी मर्जी है तो फिर मुझे कौन रोक लेगा। कई लोग हैं छोटे छोटे सेटबैक्स में ही क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, दोबारा से स्टार्ट नहीं करते। एक बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, हारता वो है जो हार मान लेता है, करेक्ट, और जब तक आप हार नहीं मानते तब तक गेम ओवर नहीं होती। तो हम कभी हार नहीं मानते, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है हम लोगों की। और अब मेरे को ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि सर्वोटेक की टीम में ऐसे आज की डेट में 12-15 लोग हैं जिन्होंने रमन भाटिया को रिप्लेस कर दिया, और वो लोग भी हार नहीं मानते। आप की जो लाइफ की लर्निंग है, ग्रोथ है और विजन है, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी और लोग बिजनेस कर रहे हैं जो ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रही, उनको कोई ऐसा मैसेज कुछ आपकी तरफ से जो आपको लगे कि हाँ सब लोगों को इन चीज़ों पर तो बहुत मस्ट है काम करना, तभी वो अपने बिजनेस को और अपने विजन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सिर्फ वो करो जिसको करने में मज़ा आता हो। मैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में और इन सारे पावर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ, और अब तो हमने खैर फ्रेम ही फिक्स कर दिया है कि हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में काम करेगा, मदद करेगा। तो इस सब के दौरान ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि जब आपको दूसरे बहुत सारे मौके मिलते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, चलो प्रॉपर्टी खरीद बेच करनी शुरू कर देते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में चला जाता है, साइड बिज़नेस, इस सब को करके लोग पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने आज तक जीवन में कभी भी डाइवर्शन नहीं लिया, कोई दूसरा बिजनेस नहीं किया, और शादी की घोड़ी की तरह काम किया। शादी की घोड़ी वो होती है जिसकी आँख के दोनों तरफ एक पट्टा लगा होता है ताकि वो किसी भी तरह ना देख सके। तो इन सर्वोटेक मैंने फोकस किया सिर्फ सर्वोटेक में, और आज भी वही है। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ फोकस कि क्या करना चाहते हो, और फिर उसके ऊपर लग जाओ और सिर्फ वही करो, अपने आप रिजल्ट आते हैं। नो प्लान बी प्लान सी। प्लान बी प्लान सी भी होगा तो वो फोकस्ड चीज़ के लिए हो सकता है कि मेरा ये अगर प्लान है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ये फेल हो गया तो मैं कुछ और करूँगा, राइट। बट मल्टीपल जो लोग रास्ते खोल देते हैं, एवेन्यूज खोल देते हैं कि इसके साथ मैं ये भी कर रहा हूँ, इसके साथ मैं ये भी कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड वे। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पे जो इतना ज़्यादा पीछे डिस्कशन हुआ था कोविड के टाइम पे भी, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पुश दिया था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंडियन बिजनेसेस या SME के लिए कितनी बेनिफिशियल है और ये कितनी बेनिफिशियल हुई ही है? ये बहुत बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन ना एक माइंडसेट है, लोग अपना माइंडसेट तोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम माइंडसेट तोड़ लें तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप देखें तो ड्यूरिंग द कोविड एक प्रॉब्लम आई, उस टाइम पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत डिमांड आई थी, अगर आपको याद हो तो लोगों ने इंपोर्ट करके भेजने शुरू किया, हमने भी शुरू किया, हमने भी कुछ इंपोर्ट किया। बट जैसे इंपोर्ट किया, एक बात समझ में आ गई कि हम 1 रुपये की चीज़ के 10 रुपये दे रहे हैं बाहर की कंट्री में। तो हमने इमीडिएटली DRDO के साथ हाथ मिलाया, IIT जम्मू के साथ हाथ मिलाया, और हमने इंडिजिनाइज प्रोडक्ट को किया, और हमने टारगेट किया कि इसको 25,000 रुपये में इंडिया में कैसे उतार सकते हैं, और हमने उतारा और हमने बहुत बेचा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और आज भी हम प्रोडक्ट जो भी करते हैं हम इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को इंडिजिनाइज कैसे करते हैं, और इसमें IIT जम्मू भी हमारा पार्टनर है, हम उनके साथ मिलकर काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे हम लोगों ने पेटेंट भी अप्लाई किए हैं। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है? बिल्कुल राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट में जो नए मिनिस्टर्स आ रहे हैं, जो टीम बनती चली जा रही है, जिस तरीके की अगर आप उनके पोर्टफोलियो पढ़ेंगे या आप उनके रिज्यूम्स पढ़ेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि किस तरीके के कितने एजुकेटेड स्किल्ड लोग आ गए हैं हमारी गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए। अगर कोई
आज देखे तो हिंदुस्तान की रोड्स, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बनता चला जा रहा है। हर रोज़ आपको एक न्यूज़ मिलती है कि आज और नया क्या हो रहा है। अगर हम अभी रेलवे को देखें तो आज से कोई 10-20 साल पीछे अगर चले जाएं तो रेलवे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता था रेवेन्यू का, उसके बावजूद सबसे बड़े लॉसेज वही क्रिएट करती थी। राइट और आज की डेट में उसमें जो चेंजेस आए हैं, मुझे आज भी सोचता हूँ तो 2-2 महीने पहले टिकटें बुक करानी पड़ती थी, उसके बावजूद रेलवे लॉसेज में थी, लेकिन आज 2-2 महीने पहले टिकटें बुक नहीं करानी पड़ती। सब मॉडल सारा चेंज हो गया, उसके बावजूद वो प्रॉफिटेबल है और बहुत कुछ हो रहा है। मतलब इसीलिए कहना गलत नहीं है, या जो आजकल लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो ये चीज़ मेंशन भी कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट डेकेड इज़ इंडियाज डेकेड। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। उसमें आप जैसे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल, और बाकी लोगों को भी उसमें अपना रोल प्ले करना ही चाहिए, सभी को हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर बाकी लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं शुक्र करूँगा भगवान का, उसने मेरे से एक काम और करवा लिया। एग्जैक्टली। थैंक्स अ लॉट, ग्रेट मीटिंग यू। थैंक यू जी, थैंक यू।